हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर आपसे जुड़ने जा रहा हूं कुछ फैब्रिक की इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस जुड़ाव का कारण था कि अभी आप लोग काफ़ी लोग मेरे से नए लोग जुड़े हो जो फैब्रिक क्वालिटी पार्ट में अपना भविष्य अग्रसर करना चाहते हो। तो आज मैं कुछ बताऊंगा बेसिक्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फैब्रिक क्वालिटी एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझें कि फैब्रिक इंस्पेक्शन या क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो बेसिक पार्ट्स है जो हमें कवर करने हैं किसी भी कीमत पे, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर एक भी स्किप होना अर्थात आगे आने वाले दिन में वो पॉइंट आपके गारमेंट को अफेक्टेड कर सकता है, उसके एस्थेटिक्स को अफेक्ट कर सकता है, उसके अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकता है। तो फैब्रिक इंस्पेक्शन में अगर हम बात करें ऑडिटिंग प्रोसेस की, तो बेसिकली दो तरह से ऑडिट किए जाते हैं। पहला तो होता है विजुअल ऑडिट, जो हम आंखों से देखते हैं। जितनी भी ऑडिटिंग हम आंखों से देख के जितने भी जांच करते हैं वो विजुअल ऑडिट के अंदर आता है। दूसरे कुछ टेस्ट्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विजुअल ऑडिट की। विजुअल ऑडिट में सबसे पहला नंबर आता है शेड सेग्रीगेशन प्रोसेस का। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, हमें कंसाइनमेंट में कितने तरह के शेड्स मिले हैं, कौन से पास शेड्स हैं, कौन से बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट है, इसकी जांच करनी होती है। तो इसकी जांच का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम सारे रोल से 25 सेंटीमीटर का रोल हेड काटते हैं, उसमें से 8x8 या 10x10 का स्वाच निकालते हैं। हर स्वाच पे उसका रोल नंबर और मीटर लिखा जाता है। फिर उसको हम शेड ह्यू डेप्थ के अनुसार अरेंज करते हैं। सपोज 100 रोल की हमने कटिंग निकाली, उसमें 3 तरह के शेड डिफरेंट आए, जो विजुअली, जो कमर्शियली, जो कस्टमर के हिसाब से जो पकड़ में आता है कि ये थोड़ा लाइटर है, ये डार्कर है, ये ग्रीनर है। तो हम हर शेड का एक ग्रुप बनाएंगे जिसको कंटिन्यूटी कार्ड कहते हैं। जैसे उसको नाम देंगे ABC। अब जितने भी एक जैसे शेड होंगे उसको हम ए ग्रुप के अंदर रखेंगे, कंटिन्यूटी कार्ड में AAA लिख के सारे रोल को हम अटैच करेंगे। उसी तरह हम बी के जितने रोल है एक जगह अटैच करेंगे, उसकी हेडिंग देंगे ग्रुप बी। उसी तरह सी के जितने रोल है एक जगह चिपकाएंगे और उसको देंगे ग्रुप सी। तो ये है सेट सेग्रीगेशन। इसके चेक करने के पहले हमारे हाथों में बल्क हेडर, अप्रूव्ड बल्क हेडर होना चाहिए, जिसमें उस कपड़े की डिजाइन, रंग, कलर, क्वालिटी सब उससे आइडेंटिफाई हो सके। अब हम आगे जब प्रेजेंट करेंगे तो हमें बताना होगा कि जो कि सपोज ए वाला हमारे बल्क हेडर से बिल्कुल मैच है, तो हमें बताना होगा ए बिल्कुल मैच है, बी थोड़ा सा डिफरेंट है, सी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आउटराइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो तो उसको हम लॉटिंग नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जिसमें 16-20 का फर्क हो, और वो भी लेकिन हम आगे पेश करेंगे कि ये हमारे हिसाब से टोटली रिजेक्टेड है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो मर्चेंडाइजिंग एंड क्वालिटी टीम को मिला के होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मर्चेंट ही है जो शेड के लिए बायर को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो हो गया पहला सेक्शन शेड सेग्रीगेशन। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, डिफेक्ट ऑडिटिंग। ये भी बहुत ही अहम सेक्शन है। इसमें हम जांच करते हैं कपड़े में कितने होल, स्टेन, वीविंग डिफेक्ट, डाइंग डिफेक्ट, प्रिंटिंग डिफेक्ट, बुनाई से संबंधित डिफेक्ट, जो भी है सारा कुछ जांचते हैं। तो इसके इसका एक 4-पॉइंट सिस्टम होता है जिसके बारे में मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा, हालांकि पिछले वीडियोज में मैंने डाल रखा है। अगर आप काफ़ी पीछे जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, फिर भी आपके लिए एक बार विस्तार से बताएंगे इसको, लेकिन वो अगले सेशन में। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हम फैब्रिक यूटिलाइज करने जा रहे हैं, जो हमने परचेज किया है, उससे हमारा आउटपुट कितना निकलेगा। जैसे सपोज आप 2 मीटर का शर्ट बना रहे हो, 100 मीटर कपड़ा आपने लिया तो आपको अनुमान है कि 50 शर्ट्स बनेंगे, लेकिन 100 मीटर में 10 जगह मेजर स्टेन आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 10 गारमेंट अफेक्टेड होगा। 50 बनाओगे तो सही, लेकिन 10 रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंस्पेक्शन में जांच से फायदा ये होता है कि हम अफेक्टेड एरिया को मार्क कर देते हैं। जब हम मार्क कर देंगे तो क्या होगा, वो लेयरिंग के दौरान काट के हटा दिया जाएगा, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट रिजेक्ट
रिजेक्ट नहीं होगा कॉस्ट खर्च करने के बाद, यानी कटिंग कॉस्ट, स्विंग कॉस्ट के बाद रिजेक्ट नहीं होगा, इनिशियल स्टेज में ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम उसके बदले में उस की भरपाई कैसे होगी इसका भी इंतजाम कर लेंगे अपने कंसर्न सोर्सिंग टीम और मिल से बात करके। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया डिफेक्ट ऑडिटिंग। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्थ की मैपिंग, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस पहले बनाए जाते हैं इनिशियल स्टेज पे, पीडी स्टेज पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये होता है कि इतने इंच का वर्थ होगा, इतना मीटर कपड़े में हमारा इतना आउटपुट आएगा। तो सपोज अगर वर्थ उससे कम आए तो हमारा आउटपुट घटेगा, इसलिए वर्थ की मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चौथी बात करते हैं बोइंग स्क्रू। बोइंग क्या है, मतलब फैब्रिक का जो लंबाई का धागा है थोड़ा टिल्टेड हो गया तो उसको स्क्यू बोलते हैं, और वो धनुष की आकृति में हो गया तो उसको बो बोलते हैं। तो जब भी बोइंग या स्क्यू होगा तो आपका गारमेंट बनने के बाद डमी पे फिट नहीं बैठेगा, और जब डमी पे फिट नहीं बैठेगा तो ऑब्वियस है कि जब कस्टमर पहनेगा तो उसको भी अटपटा लगेगा, क्योंकि साइड सीम हमारे ट्राउजर के साइड सीम से मैच होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आगे पेट की तरफ या पीठ की तरफ जाएगा तो दिक्कत है। इसको भी आप विस्तार से समझेंगे आगे आने वाले दिनों में, या जब भी प्रैक्टिकली मैं आपसे मिलूंगा वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया बोइंग इसको। नेक्स्ट है सेंटर सेल्वेज कलर वेरिएशन। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि वृत्त में एक तरफ कलर डार्क है, एक तरफ लाइट है। अब हम जनरली नॉर्मल पैटर्न से अगर काटेंगे, कहीं भी डार्क और लाइट जुड़ेगा तो डिफरेंसेस दिखेंगे, और वो डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्वालिटी पैरामीटर से, कस्टमर की निगाह में आएगा, वो रिजेक्ट माना जाएगा, आगे क्लेम का कारण बनता है। अगर हम पहले जजमेंट कर देते हैं कि नहीं ये मेजर वेरिएशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली CS मार्कर किया जाता है, जहां मेजर से मेजर अटैच होगा और इल्यूजन की वजह से वो आंखों को पकड़ नहीं आएगा। इस तरह हमारे गारमेंट रिजेक्ट होने से बच जाएंगे, इसलिए CS का जांच करना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जांच करने के तरीके क्या हैं हमने पीछे बता रखे हैं वीडियोस में, और आगे आपसे मिलेंगे या अगले एपिसोड में फिर आपको बताएंगे कि इसकी जांच कैसे की जाती है, कौन से मार्कर से इसे बचाया जा सकता है। अभी बेसिक्स है, तो बेसिक्स में आपको इन सब टर्मिनोलॉजी से, सब वर्ड से आपको परिचित होना है और थोड़ा बहुत रूबरू होना कि होता क्या है। इसी तरह एक दूसरी डिफेक्ट है लेंथ वाइज कलर वेरिएशन, अर्थात 100 मीटर का रोल है, स्टार्टिंग में कुछ और शेड है, बीच में कुछ और है, लास्ट में कुछ और है, तो आप उसको एक शेड मान के काटोगे तो आपके हैंगर्स पे, रैक्स पे जो गारमेंट होंगे उसमें वेरिएंस, वेराइटीज दिखेंगी। तो इनसे कैसे बचना है इसके जानने के लिए पहले लेंथ वाइज वेरिएशन की चेकिंग जरूरी है। इसके लिए हम स्टार्ट से कटिंग लेते हैं, हर 10 मीटर बाद मैच करके देखते हैं, जहाँ कटिंग वेरिएशन होगा बहुत ज़्यादा वहाँ से एक और कटिंग लेते हैं, उसको जोड़ के देखते हैं सिलाई के माध्यम से कि कितना वेरिएशन है, चलने लायक है, नहीं चलने लायक है, कुछ स्पेशल मार्कर से कटने लायक है, आउटराइटली रिजेक्ट करने योग्य है। तो ये हो गया लेंथ वाइज वेरिएशन। उसके बाद एक अहम है ऑडिट, क्वांटिटी की ऑडिट। जैसे सप्लायर ने एक रोल को डिक्लेयर किया कि 250 मीटर का रोल है और उसमें 2% कम है, 5 मीटर कम है, उस कपड़े की कीमत 200 रुपये मीटर है, तो हर रोल में आपको 1000 रुपये मीटर का लॉस होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो इसलिए रैंडमली 10% रोल की क्वांटिटी को चेक करना जरूरी है कि जो स्टिकर लगा है और जो एक्चुअल क्वांटिटी हो सही है या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जाँच के पहले निर्धारित कर लें कि अगर स्टाम्प लगाया है सप्लायर ने दोनों किनारों पर बिना कोई कटिंग के आप जाँच करें, ताकि सप्लायर को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये तो कुछ पार्ट थे विजुअल इंस्पेक्शन के। अब हम आते हैं कुछ टेस्टिंग पार्ट्स। सबसे पहले चेक की जाती है कलर फास्टनेस टू वाशिंग, अर्थात पानी में हम वाश करेंगे डिटर्जेंट के साथ तो कहीं इसका रंग छूटेगा तो नहीं, कहीं इसका जो एक्चुअल रंग अभी दिख रहा है वो हल्का तो नहीं हो जाएगा। इन सब जांचों के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं CF टू वाशिंग, कलर फास्टनेस टू वाशिंग। दूसरा टेस्ट इसी तरह का कुछ है कलर फास्टनेस टू क्रॉकिंग, यानी रब होने से, गीले में गीला, गीले में सूखा, सूखे में सूखा, रगड़ने से एक का रंग दूसरे के रंग पे चढ़ तो नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड कलर फास्टनेस टू क्रॉकिंग। ये दो तरह का होता है, ड्राई एंड वेट। इसके बाद हम बात करते हैं काउंट की। काउंट धागे का नापने का मात्रक है,
जैसे हम लिक्विड को लीटर में, सॉलिड्स को किलो में, सोने की गुणवत्ता को कैरेट में नापते हैं, इस तरह से धागे की गुणवत्ता और इसकी क्वालिटी और इसकी थिकनेस को हम काउंट के माध्यम से नापते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना होगा, इसके लिए हम अगले सेशंस करेंगे, या हमारे पिछले वीडियोस देखिए, या कभी रूबरू होंगे तो इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे, ये थोड़ा गहन मुद्दा है। काउंट के बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन बायर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और कपड़े की क्वालिटी को कंस्ट्रक्शन निर्धारित करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब एक स्क्वायर इंच में लेंथ में कितने धागे हैं और वर्थ में कितने धागे हैं, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नॉर्मली जैसे 124x64, इसका मतलब है एक इंच में 124 लेंथ के धागे और 64 वर्थ के धागे हैं। अमूमन लेंथ के धागे के लिए पहला डिजिट चेक करते हैं, सेकेंड वाला होता है वर्थ के धागे के लिए। इसके बाद एक और चीज है श्रिंकेज। अब कोई कपड़ा हमने गारमेंट बना दिया है एक्सल साइज का और वास होते ही वो छोटा हो गया, लार्ज हो गया, तो वो तो किसी काम का नहीं, कस्टमर का क्लेम का कारण बनेगा। इसलिए हम किसी भी कपड़े को कटिंग के पहले जांचते हैं कि वो कितना श्रिंक कर रहा है। अगर 100 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर श्रिंक कर रहा है, नॉर्मली 3% श्रिंकेज है, तो वो यूजेबल है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर इससे ज़्यादा श्रिंकेज आता है तो आपको अपने सीनियर या डिपार्टमेंट हेड को सूचित करना अनिवार्य है। किसी किसी कपड़े में श्रिंकेज के बजाय एलोंगेशन की दिक्कत आती है, कपड़ा बढ़ जाता है वॉशिंग में जाके, एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा, तो वो भी दिक्कत है, उसके लिए भी सीनियर्स को जरूर सूचित करें। अगला टेस्टिंग है टॉर्किंग एंड स्पायरलिटी। ये कुछ हद तक बोइंग की तरह होता है, लेकिन ये वॉशिंग के बाद इफेक्ट करता है। वॉश के पहले सीधा लिखेगा, जैसे ही वॉश होगा कपड़ा घूम जाएगा लेंथ की डायरेक्शन में, नीचे घूम जाएगा, साइड सीम घूम जाएगी, इसको कहते हैं टॉर्किंग। और सेम चीज अगर नेट में होता है उसके लिए यूज किया जाता है शब्द स्पायरलिटी, तो इसके बारे में डिटेल जानना होगा आपको, विजुअली देखना होगा, समझना होगा, तो इसके लिए फिर आगे मिलेंगे। इसके बाद एक और टेस्टिंग होता है जो बहुत जरूरी है, पीएच। दुनिया के लगभग तमाम चीजों में हाइड्रोजन विद्यमान है, जैसे H2O पानी, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, NH4Cl सोडियम क्लोराइड इत्यादि। तो इसी तरह कपड़े में हाइड्रोजन की क्या मात्रा विद्यमान है, वो एसिड साइड में जा रहा है, अल्कलाइन में जा रहा है, बेसिक है, अल्कलाइन है, तो इसकी जांच पीएच से होती है, एक लिटमस पेपर के माध्यम से जांचा जाता है। और इसको हम न्यूट्रल पोजीशन में लेते हैं, जैसे पानी का ही पीएच होता है, हम जो पीते हैं वो भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो एक लिटमस पेपर के माध्यम से जांचा जा सकता है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, अगले सेशन में इसे आसानी से समझाऊंगा मैं। इसके बाद है क्लियर, एक होता है GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी एक मीटर कपड़ा लंबा और एक मीटर चौड़ा हो, उसकी वेट क्या होगी, उसका वजन क्या होगा, उसको GSM के माध्यम से नापा जाता है। एक कटर होता है GSM कटर, छोटा सा एक सर्कल निकालते हैं, उसके वेट से हम कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेट हो जाता है कि कपड़े का वजन क्या है। और ये भी बहुत जरूरी है कपड़े की गुणवत्ता को जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आशा है इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको खुद की ही मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आगे आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम उस विषय पे आपसे फिर मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे और आगे जानना चाहेंगे पूरी डिटेल में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।